बाइडन जैसे एक बीमार इनकम्पिटेंट पर्सनालिटी को 4 साल तक अमेरिका अपने राष्ट्रपति की फॉर्म में झेल सकता है, तो माफ कीजिएगा उस देश के लोगों के ऊपर मुझे शक होता है कि वेदर रियली दे आर स्मार्ट पीपल और नॉट। सर, हैरिस बने या ट्रंप बने, रिलेशंस कहां जाने वाले हैं इंडिया और अमेरिका? अजय बंगा आज छोड़ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या? आप माइक्रोसॉफ्ट कौन चलाएगा? आपका गूगल कौन चलाएगा? आपकी पेप्सी कौन चलाएगा? आपका फेडएक्स कौन चलाएगा? तो बेसिकली ये होगा कि पॉलिसीज तो सिमिलर रहेंगे, लेकिन बात करने का ढंग जरा मतलब बहुत याराना रहेगा ट्रंप के साथ मोदी का। मेरी विवेक रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में, और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मेरा वो हीरो है, हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो, और मैं उसकी मजीद इसलिए इज्जत करता हूं कि हिजर से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स झेली हैं। पहली बार ट्रूली ट्रू फॉर्म में हिंदू गवर्नमेंट आई है, ट्रू फॉर्म में, जो सिर्फ कुछ कर नहीं रही हिंदुओं के लिए, उनको बस रिस्पेक्ट कर रही है। प्रैक्टिसिंग हिंदू, उषा उनका नाम है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि वो भारत की थी, जरा उसका उसके उसके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर, उसके क्वालिफिकेशन भी देख। येल से ला स्कूल से पढ़ी है, उसके पेरेंट्स बहुत दोनों प्रोफेसर हैं। इंडिया है ना, हम जो मर्जी कह ले, हम एक नारे लगा सकते हैं, हम तराने सिर्फ लॉन्च कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। अगर उनकी जीडीपी देखे तो हमसे वो बहुत ऊपर हैं। मैं हमेशा ये पूछता हूँ, हम लोग तो यहाँ आते हैं लूटे फूटे, देखें कहीं से भाग जान बचा के भागना, पॉलिटिकल असाइली होना एक अलग चीज होती है, कहीं पढ़ के आना, वीजे लेकर आना एक अलग बात। इस कैंपेन के अंदर ये बताया जा रहा है कि कभी ट्रंप आगे हो गया, कभी कमला हैरिस आगे हो गई। मुझे ये चीज अब तक समझ में नहीं आई कि कौन सी चीजें ट्रंप के अगेंस्ट जा रही हैं और कौन सी चीजें कमला हैरिस के फेवर में जा रही है। कमला हैरिस या बाइडन ने कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया? अगर कमला हैरिस जैसी एक इनकम्पिटेंट लेडी को, और उससे पहले बाइडन जैसे एक बीमार इनकम्पिटेंट पर्सनालिटी को 4 साल तक अमेरिका अपने राष्ट्रपति की फॉर्म में झेल सकता है, तो माफ कीजिएगा उस देश के लोगों के ऊपर मुझे शक होता है कि वेदर रियली दे आर स्मार्ट पीपल और नॉट। भाई सीधी सी बात है, मुझे इतना सा बता दीजिए ना कि वो आदमी या वो ग्रुप स्मार्ट कैसे हो सकता है जो अपने एक राष्ट्रपति को ये नहीं समझ पा रहा कि वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसे डायरेक्शंस नहीं पता, वो अंधा भी है या देख भी पा रहा है यही नहीं पता चल रहा। इधर से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स झेली हैं। पहली बार ट्रूली ट्रू फॉर्म में हिंदू गवर्नमेंट आई है, ट्रू फॉर्म में, जो सिर्फ कुछ कर नहीं रही हिंदुओं के लिए, उनको बस रिस्पेक्ट कर रही है। वरना आज से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट्स भी होती थी, वो हिंदुओं को रिस्पेक्ट थोड़ा ना करती थी, वो इंसल्ट करती थी, हर कदम पे इंसल्ट करती थी, कोर्ट में जाके कहती थी राम कोई नहीं होता, राम था ही नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट कहती थी। हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में हिंदूज की बिलीफ सिस्टम को के ऊपर अटैक करने, कांग्रेस कह रही है कि राम इज हाइपोथेटिकल, वो भी एफिडेविट तो रिसेंटली शायद कहा था सोनिया गांधी ने, 7, 8 या 9 का मामला है। अच्छा, रिसेंटली तो वो डिस्कशन में रहता, लेकिन 7, 8, 9 का मामला है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोर्ट में कहा था कि राम इज हाइपोथेटिकल, सोच कर देखिए तो हम क्यों ना कहें कि हमारी जो कल्चर है उसको मानने वाली पहली बार गवर्नमेंट, इंडिया के ऊपर रूल करने वाली गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेट After 1000 years आई है। पूरे में भी एक इंडियन कनेक्शन इसमें भी एक नजर आ रहा है। आज इंडिया, मैं बल्कि सुबह, आपको पता है जो मेरी एसोसिएशन दोस्तियां तो बहुत ज्यादा है भारत के अंदर, सुबह से मेरी आज भी मुबारकबादें आ रही हैं, दे रहे हैं, जा रहे हैं। मैं सुबह कल बल्कि एक जगह इंटरव्यू दिया, वहां भी मैंने मुबारकबाद दी उनको कि देखें जी। और उषा उनका नाम है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि वो भारत की थी, जरा उसका उसके उसके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर, उसके क्वालिफिकेशन भी देख। येल से ला स्कूल से पढ़ी है,
ईयर से. उसके पेरेंट्स बहुत दोनों प्रोफेसर हैं, अरुणाचल प्रदेश है. लेकिन ये कि कोई ऐसे नहीं है कि मेरा मकसद है कि चलता फिरता सामने आ गया है. और कल सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कल, और इनके बच्चे का नाम भी वैवेक है, इनके तीनों बच्चों का. और सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे ज्यादा प्राइड के साथ चीज ये कहता हूं हमेशा, शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू. और उनका हस्बैंड जो है वह फार राइट से बिलोंग करता है, बल्कि वो कैथोलिक कन्वर्ट उन्होंने किया है. एंड शी वॉज वेरी सपोर्टिव. मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है. जेडी वाइस, मैं इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू करता हूं. कल मेरी विवेक रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में, और फ्यूचर में फिर मिलेंगे. मेरा वो हीरो है, हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो. और मैं उसकी मजीद इसलिए इज्जत करता हूं कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू. इसी वजह से मैं ऋषि सोनक की रिस्पेक्ट भी करता था, करता रहूंगा, कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू. सर, हैरिस बने या ट्रंप बने, रिलेशंस कहां जाने वाले हैं इंडिया और अमेरिका? देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है वो इंटरेस्ट के बेसिस पर होती है, मुल्क की इंटरेस्ट बेसिस. और जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर, अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो, कोई भी इलेक्ट हो, ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर तो नहीं बदलेगा ओवरनाइट. तो none of that is going to change. So on the broad strokes, आप कह सकते हैं कि 95% दोनों की foreign policies towards India will be the same. Both recognize that India is very important, कि India China को balance करने के लिए Indo-Pacific में America के लिए बहुत ज़रूरी है. दोनों America और India democracies हैं, तो एक किस्म से natural partners और natural allies हैं. जहाँ पे जो अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं वो चाइना ले ले, रशिया ले ले, या ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सब अनडेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं. तो इंडिया नेचुरली अमेरिका की तरफ लीन होना चाहिए, बिकॉज इट्स ए डेमोक्रेसी एंड नॉट लाइक रशिया या चाइना. तो ये सारी चीज़ें आर नॉट गोइंग टू चेंज. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इंडिया के लिए, जो प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स की जो इश्यूज हैं, दे हैव बिकम ए बिट मोर सीरियस. तो मिसाल के तौर पे मैं, मतलब बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जिधर भी मैं गया, यूरोप ले लें, मिडल ईस्ट ले लें, या साउथ अमेरिका, हर जगह मुझे लोग वे क्रिटिसाइजिंग के अमेरिका के एम्बेसी के लोग स्कूल के करिकुलम तक डिक्टेट करने आ जाते हैं कि आप स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, खासतौर से ऑन द LGBTQ इशू. तो दे वांट टू नॉट ओनली डोमिनेट यू, बट आपको बेसिकली वो कन्वर्ट भी करना चाहते हैं टू डेमोक्रेट. मतलब जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो करंट वैल्यूज है, दे वॉन्ट यू टू फॉलो दोज वैल्यूज ऑल्सो. तो कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंट बनती है तो इंडिया के साथ जो मिलिट्री और दूसरे अलायंसेस है वो तो चलते रहेंगे, लेकिन इंडिया के इंटर रिलीजियस फ्रीडम इश्यूज, इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया रिपोर्टर्स को कैसा ट्रीट कर रही है, माइनॉरिटीज को कैसा ट्रीट कर रही है, ये लेकर जो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है वो बेसिकली दबाव डाल सकते हैं इंडिया पर. आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे तो जो ह्यूमन राइट्स की जो शिकायत, वो कमला हैरिस वाज गिवन दैट जॉब. तो सो शी वाज द वन हु स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी अबाउट ह्यूमन राइट्स. बाइडन ने नहीं की, ब्लिंकन ने नहीं की. तो बेसिकली ये होगा कि पॉलिसीज तो सिमिलर रहेंगे, लेकिन बात करने का ढंग जरा मतलब बहुत याराना रहेगा ट्रंप के साथ मोदी का, कमला हैरिस के साथ इट बी वेरी फॉर्मल विद अ लॉट ऑफ हाउएवर बहुत ज्यादा चलेगा. देखें आरजू, बात यह है, मैं हमेशा ये पूछता हूँ, हम लोग तो यहाँ आते हैं लूटे फूटे. देखें, कहीं से भाग जान बचा के भागना, पॉलिटिकल असाइली होना एक अलग चीज होती है, कहीं पढ़ के आना, वीजे लेकर आना एक अलग बात. मैं हमेशा कहता हूं हमें डायस्पोरा ना कहा करें, हम पॉलिटिकल असाइली हैं. मैं बिल्कुल फिट पड़ता हूं पॉलिटिकल असाइली के डेफिनेशन में. मैं अपनी जान बचा के भागा था और इस कंट्री ने मुझे पनाह दी है. और हर पाकिस्तानी की हालत यही है, जो आधे इस वक्त टर्की के पास डूब जाते हैं समंदर में, आधे जो बच जाते हैं, सारे पॉलिटिकल असाइली.
वो जान बचा के भागे या पेट भरने के लिए। हम चीप लेबर आते हैं, मजबूरियों से आते हैं, हम तालीम लेने नहीं आते। हमें कंपेयर ना किया करें भारतीय इंडियंस के साथ, वो टेक्नोक्रेट्स हैं। टेक्नोक्रेट्स, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन पॉलिटिकल असाइलीज एंड टेक्नोक्रेट्स, उनके साथ ना कंपेयर किया करें। ये दो प्रोफेसरों की बच्ची है उषा, तो जाहिर है। और दूसरा जो ऋषि सोनक की वाइफ को, वो आपको पता है, वो भी बहुत एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली से उसका रिलेशनशिप है, उसका उनकी बच्ची है वो। लेकिन हमारा इस वक्त, और दूसरी एक बात बताना चाहूंगा अफसोस के साथ, मैं ये तो नहीं कर कहूंगा इस पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अभी तक किसी पाकिस्तानी से, मैंने किसी पाकिस्तानी को इस कन्वेंशन के अंदर नहीं देखा अभी तक, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन, मैंने नहीं देखा किसी पाकिस्तानी। और मुझे एक और खासकर दुख है आरजू, मैं कसम से मैं आपको देखता हूं, दिल खून के आंसू रोता है कि आपको हमने 1947 में आपके साथ धोखा किया। मैं कहा आप आओ, हम आपको पाकिस्तान देंगे, आओ पाकिस्तान का मतलब क्या?